ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, अभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाए तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पे चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है, वो नींद नहीं है। रात्रि जागरण का खेल मत रखो, जो तुम्हारी पैनक्रियाज है इनको ज्यादा मेहनत मत करने दो, ये उम्र के साथ कमजोर होने लगती है। दोपहर में हम लोग 50-50 ओवर खेलते थे। उसने फुस किया, इसने चाटा मारा ना। और क्रांति किसकी वजह से हुई? आम आदमी की वजह से, सिपाहियों की वजह से। अंग्रेजों ने एक गलती कर दी, सिपाहियों पे हाथ डाल दिया, और वो भी भारत का सैनिक, सेना का जवान। हिंदुस्तान की सबसे खतरनाक क्या है? यहां की सेना आदिकाल से, यहां का जवान एक ही चीज का जानता है, मरना और मारना। IPKF UN है, पूरी दुनिया में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को यूज करती है। देखो यहां के लड़के बाइक चलाते हैं, आगे का पहिया उठा लेते हैं, घुस गए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल दो लोग यही क्रॉसिंग पे ऑन स्कूटर, वो बैरिकेडिंग गिर गई है, ऑन स्कूटर झुका के निकाल ले, ऑन एक्सीलेटर पकड़े, और वो निकले तब तक एक्सीलेटर दब गया और आके बड़ा आग से मेरी गाड़ी में लड़े। सॉरी अंकल जी, हमने कहा हमको इस बात का डर नहीं कि हमारी गाड़ी में कुछ खराब हुआ। अगर तुम सोचो इधर से उधर जा रहे होते, इधर से ट्रेन आ रही है और घुस जाते तो तुमको सॉरी कहने का मौका नहीं मिलता। बस तुम इतना सोच लो कि डायरेक्शन अगर तुम्हारी रिवर्स होती और जितनी स्पीड से तुम आके हमसे लड़े हो उतनी ही स्पीड से अगर उस शताब्दी में घुसे होते तो अब तक लोग इकट्ठा कर रहे होते कि उंगली उधर पड़ी भैया। नीतियों की वजह से मालिक कब चाहेगा कि नौकर राजा बन जाए? वो तो नौकर का दिमाग जिंदा हो जाए अगर, और मालिक को गौर से देखने लगे कि मालिक की ताकत की वजह क्या है। शायद मैं एक वैद्य जी से मिलने गया तो उन्होंने मेरी शुगर चेक की तो 82 आई। अरे कितनी उम्र है आपकी? मैंने कहा 50 साल। मैं 82, नाश्ता नहीं किया था? मैंने कहा नाश्ते में मैंने जो है 10-12 लड्डू खाए और कुछ खाया नहीं है सर। मैं 82, तो मेरे साथ ये फैजल भाई बैठे थे, कहीं 20 किलोमीटर चल के भी आ रहा है, कहने रह रहे जाइए। जब भी अच्छा भोजन करो पैनक्रियास को ज्यादा मेहनत मत करने दो, तो तुम्हारी पैनक्रियाज है इनको ज्यादा मेहनत मत करने दो, ये उम्र के साथ कमजोर होने लगती है। तो जब भी तुम एक नियम बना लो कि जब भी हम तुम देखो जब तुम बचपन में अभी क्लास 9-10 में थे कितना खेलते थे, इस दोपहर में हम लोग 50-50 ओवर खेलते थे, तभी तो लोहा खा के हजम कर लेते थे। अब क्या हुआ कि खाना अभी भी वैसा है, क्रिकेट छूट गया, तो धीरे धीरे वो पैनक्रियाज पे जोर डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, तो कमजोर हो रही कि नहीं। बस तुम यह सिद्धांत बना लो कि मुझे अपनी पैनक्रियास को कष्ट नहीं देना है, जितना खाएंगे उतना भागेंगे, बस सिंपल। और मजा जीभ लेती है, भोगता पूरा शरीर है, और वॉक करने में जीभ को दर्द नहीं होता। तो सबके एक सिद्धांत है, एक डायरेक्शन है, समझना कोई रोग है तो वो क्यों हो रहा है, बस उसके कारण को तुम पकड़ लो, तो जहां कारण है वहीं समाधान है। किसी भी रोग को क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ये जान लो कि ये रोग होता क्यों है। तो जैसे ही आपको कारण समझ में आएगा, अब आप डॉक्टर तो है नहीं लेकिन कारण पता चलने से ये पता चल जाएगा ना किसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, बस। बड़े अच्छे बैद जी, उनकी दवाई बहुत फेमस है,
कानपुर में वो है, और पूरे भारत से लोग उनसे दवा लेने आते हैं, और जबरदस्त आदमी, इतनी अच्छी दवाएं हैं उनकी। तो फैजल भाई को पता है, हम तो ऐसे गए थे मिलने के लिए, हमारे मित्र उनके लिए दवा चाहिए था, तो गए, हमने कहा हम भी दिखा लें, लगे हाथ। क्यों प्रिया, कोई सवाल? वहां कोने में कहीं बैठ रही हो? इधर कहीं बैठा करो। अरे तो इधर बैठो, इधर ये इनकी बोतल उठा फेंक दो, ये बैठा करो। नहीं नहीं तुम बैठो यार। अगर फ्रांस का सहा मदद उसे मिल जाती तो कुछ उलट फेर करने की कोशिश करते सब, तो दुश्मन इससे पहले कि ताकतवर बने उसे खत्म कर दो, सिंपल। दुश्मन का वेट मत करो कि वो ताकतवर बने। क्या 1919 में ड्यूअल गवर्नमेंट, वो डायर की, पर वीटो पावर किसके हाथ में? गवर्नर के हाथ में। जहां से रेवेन्यू आ रहा है वो सारा मामला किसके हाथ में? गवर्नर के हाथ में। यही तो सीखना है, यही तो पढ़ना है कि कैसे वो टुकड़ों में हमें देते रहे चीजों को, और किस तरह से देते रहे कि हमारा फायदा ही नहीं हो रहा था। इतना आप कंसोलिडेट करो। अभी मैं 2 दिन के लिए आऊंगा, संडे सैटरडे अगले महीने, इस महीने तो मुश्किल है, तो फिर रिमेनिंग पोर्शन पूरा करा दे, है ना? उसमें भागने से कोई जरूरत है नहीं, तो 2 दिन आ जाएंगे सैटरडे संडे और उसको पूरा करा दे। सैटरडे संडे में एक फायदा ही होता है कि सारे लोगों की छुट्टी रहती है, शायद ही कोई आदमी होगा जिसको संडे को भी काम होता होगा, तो आप 8 बजे सुबह भी आ सकते हैं, और गर्मी में सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है, 7 बजे आ जाइए, जब तक एक बढ़िया क्रंच होता है। दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है, 2.5 किलो लंच कर लिए, और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए। कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाए, 2 घंटे आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है, तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पर चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। तो जब तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा मन उस चीज को हजम करना चाहता है, तो कहता भैया थोड़ा सा, तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है, वो नींद नहीं है। बाकी नींद पूरी रात में, और कोशिश करो कि 10 बजे से लेकर मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक सो जाओ, 4 बजे तक, जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में, कैसे भी रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कैसे भी कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी, नींबू लिया उसमें लाल रंग भर के चाकू से काट दिए, हमारे कमरे में जो है ब्रह्म बाबा आते हैं, अगल बगल वाला कोई आएगा ही नहीं, सो आराम से।